वाल्मीकि समाज के आराध्य गोगादेव महाराज के मंदिर पर वाल्मीकि जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर चारों पंचायत द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मंदिर पर महाआरती का आयोजन किया जाए। वहीं चारों पंचायत द्वारा गोगादेव मंदिर पर महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर यह निर्णय भी लिया गया कि जुलूस निकालते हुए मंदिर पर महाआरती की गई है। वहीं पंचायत के महंत का भी सम्मान किया गया। गोगादेव मंदिर ट्रस्ट की ओर से यह निर्णय लिया गया कि जो निर्धन छात्र छात्रा हैं उनके शिक्षण की व्यवस्था भी गोगादेव मंदिर ट्रस्ट की ओर से की जाएगी। इंदौर शहर वीर गोगादेव मंदिर पर स्थित महर्षि वाल्मीकि जी का जो मंदिर है परिसर में, उसमें आज इंदौर शहर की चारों पंचायत आगे चले जाएंगे। चारों पंचायत के माध्यम से आज यहां पर जो समाज के महंत लोग हैं, जो गादी महंत समाज के, उनका लादूराम जी, राजाराम जी कछोटिया साहब, इन लोगों को आज समाज जनों ने सम्मान किया और आज चारों पंचायत के वरिष्ठ जनों ने निर्णय लिया है कि दीपावली के बाद इस गोगादेव मंदिर, वाल्मीकि जी का जो गोगादेव जी का मंदिर है, इसमें चांदी का द्वार एक माह के अंदर लगेगा। आज चारों पंचायत ने ये बड़ा आह्वान किया है। साथ ही जो यहाँ पर जो रक्षित निधि है, उससे जो उच्च शिक्षित बच्चे हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उनकी आर्थिक सहायता गोगादेव मंदिर ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर चूँकि कोविड गाइडलाइन का पालन करना था, इसलिए जुलूस जल से सब समाप्त करते हुए यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी की आरती की गई। साथ ही समाज के जो महंत हैं उनका सम्मान कर और एक बड़ा निर्णय लिया गया, जो समाज के निर्धन छात्र छात्रा हैं उनका गोगादेव मंदिर ट्रस्ट मदद करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको जो आर्थिक परेशानी आती है उनको दूर करने के लिए वाल्मीकि समाज का गोगादेव मंदिर ट्रस्ट उनकी मदद करेगा। आज वाल्मीकि जयंती के पर्व पर समस्त इंदौर वासियों को शुभकामना देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएसआर टाइम्स। के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।